उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी की बाढ़ ने एक बड़ा कहर बरपाया है। दर्जनों विद्यालय पानी में डूब चुके हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। गांवों में पानी भरने के बाद लोग अपनी गृहस्थी समेटकर तटबंध पर बसने को मजबूर हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, और तिरपाल के नीचे जैसे तैसे रातें काटी जा रही हैं। बुधवार को सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर नीचे आ गया, लेकिन नदी अब भी लाल निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर है। कई घर कटान के मुहाने पर हैं और गांवों में तबाही मची हुई है। कहाँ पढ़ते हैं आप? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, ये बारिश का पानी तो आपके स्कूल में आ गया है, तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? बंद है, कहीं और पढ़ाई नहीं होती इसके अलावा? सर लोग आते हैं कि नहीं आते? टीचर आते हैं? अच्छा, कौन टीचर, क्या नाम है टीचर का? नहीं पता। मैडम भी आती हैं? अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 300 बच्चे। बाराबंकी जिले की 3 तहसीलें रामनगर, सिरौली गोसपुर और रामसनेही घाट बाढ़ की चपेट में हैं। हितमापुर, दिहुआ, तेवराइन पुरवा, मौधा पुरवा, अकोना, हरक्का मांझा, रसावल, नैपुरा मांझा, रायपुर, कमियार, गुनौली, बांसगांव, बसंतपुर, सनावा, परसा, सरधा, तिलवारी जैसे गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में पानी भर गया है। तिलवारी गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अनूप सिंह ने बताया कि सरयू नदी की बाढ़ के कारण विद्यालय पानी में डूब गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है और उन्हें अब ऊंची जगह पर पढ़ाया जाएगा। स्कूल का सारा सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। अनूप जी, आपके स्कूल में पानी भर गया, काफी भर गया है, ये हर साल की स्थिति रहती है, इस बार भी कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ लगभग 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चों की, और हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था, और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूरेक्स पानी छोड़ा गया है, और अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूरेक्स पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं इस सिचुएशन में विद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग इसका हर बार सामना करते हैं। जो गाँव में जो ऊँचे स्थान है वहाँ पर हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं और खाने का प्रबंध की व्यवस्था कराते हैं। तो ये सामान है, इसको सब बाहर निकालना पड़ता है? हाँ, सामान को सुरक्षित स्थान पे करना पड़ता है, और जो भी राशन वगैरह जो भी रहता है वो सब सुरक्षित स्थानों पे करना पड़ता है, और रजिस्टर वगैरह जो भी कागज़ हैं जो भी हैं और भी कागज़ उसे स्थानों पे रखना पड़ता है। तो ये हम लोग को हर साल मतलब ये सिचुएशन झेलनी पड़ती है। यदि बारिश और बढ़ती है या सरयू नदी का जलस्तर और बढ़ता है, तो स्कूलों को बंद भी करना पड़ सकता है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, जहाँ शिक्षा, जो बच्चों का भविष्य संवारने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, बाढ़ की भेंट चढ़ रही है। बाराबंकी से संजय यादव की रिपोर्ट।